नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडीटा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने देखे थे साइंस सब्जेक्ट के सेकंड नंबर पार्ट, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के, जिसके अंतर्गत कुल टोटल 100 हमारे बहुविकल्पी हैं, तो आधे आधे करके हम देखेंगे। पहले वाले पार्ट में हम कुल 50 बहुविकल्पी जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमिंग भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो टाइमिंग है उसका समय है आपका दोपहर के 3 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो श्री गुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। काफी लोग चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइप से ऑप्शन में जब दिए होते हैं उनको लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा संस्थापक श्री गुप्त जो है वो था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध चरित के लेखक थे अशुघोष, नागार्जुन, कालिदास या चरक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, काटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं, चलिए उत्तर की ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आ अशुघोष जो है वो सही हो जाएगा। इसकी जो रचना काल है वो 2री शताब्दी जो है वो है, और इसमें गौतम बुद्ध जी जो है उनका जीवन चरित वर्णन वर्णन जो है वो किया गया है बुद्ध चरित के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध चरित की ही बात की गई कि उसके लेखक कौन थे, तो अशुघोष तो आपके राइटर हुए, तो बुद्ध चरित जो है इसमें गौतम बुद्ध जो है उनका जीवन चरित वर्णित जो है वो किया गया है। तो रचयिता अवश्य ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है अशुघोष। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि शून्य जो है उसके आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सी वी रमन या वराहमिहिर, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य के आविष्कारक के रूप में आर्यभट्ट को जाना जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है हर्ष चरित के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भीमसांग या कालिदास, 4 ऑप्शन है, छाटिए जल्दी से कौन सा जो है वो सही होगा। बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो बाणभट्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है चंदेल शासकों की राजधानी जो है वो थी, 4 ऑप्शन है, छाटना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका खजुराहो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदेल शासकों की राजधानी। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि दास वंश किसको कहा जाता है, आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका गुलाम वंश बिल्कुल सही हो जाएगा। दास वंश किसको कहा जाता है, तो गुलाम वंश को कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे 1206 से लेकर के 1290 तक आपका पूरा चला था। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेकर 1290 तक जो है आपका चला था। बाकी भी आपके और थे जैसे कि आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश हो गया, ये सारी चीजें, तो आपका यहाँ पर गुलाम वंश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका कैकुबाद जो है वो सही हो जाएगा। ये प्रश्न जब मैंने आपको राजन और पवन के एमसीक्यू कराए थे तो मैंने वहां पर बताया भी था कि कैकुबाद के अलावा भी एक नाम आपको देखने को मिलता है, और वो नाम है क्यूमर्स। क्या नाम है? क्यू या जो है इसमें आपका बड़े की मात्रा मा और अर्श, तो इस प्रकार से क्यूमर्स भी नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में जो भी आपको देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा, यही दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में जो है वो होती हैं, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत होती है इसी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी होती हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वायु दाब जो है उसको मापने की इकाई इनमें से कौन सी होगी, 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका मिलीबार जो है वो सही हो जाएगा, वायु दाब को मापने की इकाई। अगला प्रश्न 10 कह रहा है मानसूनी हवाओं की दशा जो है उसमें परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में या 12 घंटे में, मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन कितनी अवधि के बाद होता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 6 माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
टोटल 50 प्रश्न हम देखेंगे, 10 हमने देख लिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं प्रश्न 11। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तीनों जगह से आप देख सकते हैं। देखते हैं 11वां प्रश्न, गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होता है। चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होता है। बात करते हैं उत्तर की, तो प्लैंकटन धारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिक जो है उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको, 2, 4, 6 या 8। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका 6 जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय नागरिक जो है उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले ये जो अधिकार थे वो 7 थे, जिसमें 44वां संविधान संशोधन द्वारा इन्हें हटा दिया गया है, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की सूची से, और इसे अब संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार में रखा गया है, तो आप क्या कहेंगे, कानूनी अधिकार में रखा गया है। 13 प्रश्न कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो 15 जून 2005 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो आपका ऑप्शन ब वाला सही हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है कि सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे, सूफी, जर्राह, पीर या खानसामा, इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पीर बिल्कुल सही हो जाएगा, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक पीर जो है वो कहलाते थे। 15 प्रश्न कह रहा है, हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई, 1970, 1960, 2010 या 2011। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है आपका ईयर ना दे करके नियर बाई दिया है, तो आप 1960 को जो है वो टिक करेंगे। तो वैसे आप देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में प्रारंभ होने का श्रेय जाता है किसको, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में अगर बात करें, एमएस स्वामीनाथन जो है उसको इस उनको जो है इसका जनक जो है वो यानी कि हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, भारत के लेवल पर बात करें तो एमएस स्वामीनाथन। 16 प्रश्न कह रहा है, हरित क्रांति जो है वो संबंधित है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा यहाँ से आपके जो प्रश्न है स्टार्ट हो रहे हैं इसके बाद वाले से 2015 के। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता है उससे डिपेंड है या संबंधित है, या पशुधन से, या कृषि उत्पादन वृद्धि से। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, सेल्फ डिपेंडेंसी से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, 17 चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा इनमें से जो है वो कौन सी है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ सन दो जो प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ से आपके प्रश्न 2015 के जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी प्रीवियस ईयर हम आपके 15-15 आते हैं, 2015 फिर 16, 17, 18, 19, इस प्रकार से सभी हम देखेंगे। तो 2015 के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका नटराज बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। नटराज जो है भगवान शिव जो है उनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। 18 प्रश्न कह रहा है कि वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है, तो बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका इल्तुतमिश सही हो जाएगा। वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया उसका नाम इल्तुतमिश जो है वो था। 19 प्रश्न कह रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली, लाहौर, अजमेर या काबुल। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ स्पीड बनाए रखिए। तो अजमेर आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा।
अगला प्रश्न देखते हैं 20, हिजरी संवत जो है वो चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां के द्वारा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो अकबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21, प्रश्न आपका है कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो स्थित है दिल्ली, आगरा, सोनीपत या फतेहपुर सीकरी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन सभी को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू में भी हम सारी चीजें डिटेल में बात कर चुके हैं। तो फतेहपुर सीकरी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम आपके एक 2020 के लिए प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं। 22 प्रश्न कह रहा है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व जो है वो किसने किया, दुर्गादास, अहिल्याबाई, ताराबाई या जीजाबाई। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो ताराबाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व। 23 प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल इंडियन सदस्य हैं उनको मनोनीत करने की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2, 4, 5 या 12। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो बिल्कुल आपका आ वाला ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंग्लो इंडियन की अगर बात करें तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसके 2 सदस्य होते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति जो है वो नामित करता है, मनोनीत करता है। तो आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है या केवल न्याय मंत्रालय को है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बदलने का अधिकार है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि कौन सा मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300A आपको मैंने आर्टिकल भी बताया, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि सर्वाधिक विवाद का विषय जो है वो रहा है। 26 प्रश्न कह रहा है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो क्या कहलाता है, जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे के बजट या बचत बजट। में इस प्रकार से बताना है कि वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो संतुलित बजट आपका सही हो जाएगा जिसमें आय व्यय बराबर होते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिहार तथा पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा दामोदर घाटी योजना से संबंधित। अगला प्रश्न 28 कह रहा है 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर बात करें कौन सा जो है वो सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त दोनों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ऊपर एक प्रश्न मेरा आपका आया था, ये वाला आंसर जो है आपका यहाँ पर देखिए तो गलत दे रखा है, आ वाला ऑप्शन दे रखा है, केवल उत्तरी ध्रुव वृत्त पर लिखा है जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त दोनों पर जो है वो सही होगा। ऊपर आपका एक प्रश्न आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर एक पॉसिबिलिटी और क्रिएट हो सकती है, वो थी हरित क्रांति वाला प्रश्न। यहाँ पर देखिए बा वाला ऑप्शन दे रखा है साइड में कि हरित क्रांति संबंधित है, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से यहाँ पर आंसर दे रखा है, पर ये आपका ऑप्शन बा ना होकर के कृषि उत्पादन वृद्धि और साथ में कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर थोड़े गलत टाइप्स हैं, तो बा और दा दोनों जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखते हैं चलिए अब अपना अगला प्रश्न 29। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग जो है वो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो प्रायद्वीप जो है वो कहते हैं 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग। 30 प्रश्न कह रहा है कि मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या चिकनी मिट्टी। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है मूंगफली की खेती के लिए। 31 प्रश्न कह रहा है आपका कि सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
बात करते हैं उत्तर की, तो मृत सागर आपका सर्वाधिक लक्षणता नहीं कह सकते हैं, लवणता आप कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वा यहाँ पर होगा, सर्वाधिक लवणता वाला सागर को मृत सागर जो है हम कहते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। 32 प्रश्न कह रहे हैं कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बा वाला आपका ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर में जो है वो किस सूफी संत की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह है। 33 प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की जो है वो रचना की। चार ऑप्शन है, बताना है आपको किताबुल रहला, दूसरा ऑप्शन है आपका शाहनामा, तीसरा है राजतरंगड़ी और चौथा है किताबुल, नहीं होता है किताबुल हिंद होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका बा वाला ऑप्शन शाहनामा बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय, और यही बस आप गलत कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ क्या दे रखा है, बा दे रखा है, देखिए ऑप्शन, और जो कि आपका पूरी तरीके से गलत है। तो ये वाला आपका शाहनामा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए जो अलबरूनी है, इसने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो किताबुल हिंद की रचना की थी। तभी मैंने देखिए पूरा बताया भी कि किताब नहीं होता है, पूरा नाम होता है किताब उल हिंद, ये जो है आपको पूरा किताब नाम होता है, किताब और फिर उल फिर हिंद, ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा। किसकी रचना है, तो अलबरूनी की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 34। प्रश्न आपका है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए। चार ऑप्शन है, बताना है आपको, तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। ऑप्शन ए बी सी डी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका तथा कथित दास वंश बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश में सर्वाधिक शासक जो है वो हुए। कौन कौन से शासक थे उनके, चलिए मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर आपका आराम शाह था, फिर आपका इल्तुतमिश था, फिर आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, फिर आपका रजिया सुल्तान था, फिर आपका मुइजुनुद्दीन बहराम शाह था, फिर आपका अलाउद्दीन मसूद शाह था, फिर आपका नसरुद्दीन महमूद था, फिर आपका गयासुद्दीन बलबन था, और फिर लास्ट में आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सबसे पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपका आराम शाह, फिर आपका इल्तुतमिश, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद सीधे आपका बलबन इम्पॉर्टेंट है, और बलबन के बाद आपका के यानी कि क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है, इसका नाम कैकुबाद भी आपको देखने को मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इतने में से इतने इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी गुलाम वंश के जो है वो शासक थे। 35 प्रश्न कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से प्रयाग प्रशस्ति किससे जो है वो संबंधित है। तो अगर बात करें प्रयाग प्रशस्ति की, तो गुप्त राजवंश के सम्राट जो समुद्रगुप्त हैं, कौन, समुद्रगुप्त, इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, हरिसेन। तो जो हरिसेन है, इनके द्वारा रचित लेख था प्रयाग प्रशस्ति, और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी जो है उसे लाए गए, जो अशोक स्तंभ थे उन पर खुदवाया गया था। तो आपका प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से जो है वो संबंधित है। 36 प्रश्न कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, और अपनी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर की जो संख्या है वो लगातार कम ही होती मुझे दिख रही है। टाइमिंग मैंने बता रखा है ऑलरेडी दोपहर के 3 बजे, फिर भी संख्या कम ही देखने को मिली। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लीजिए, एमसीक्यू ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए अच्छे हैं, रिवाइज होते हैं आपके, और वीडियो भी कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बा वाला आपका ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक जो है वो सही हो जाएगा, तुगलक वंश का संस्थापक।
37 प्रश्न कह रहा है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भद्रा या विजयनगर, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल विजयनगर बिल्कुल सही हो जाएगा। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, उसका नाम विजयनगर था। ये सब जो प्रश्न आपके चल रहे हैं सब सन 2016 के चल रहे हैं, साइड में आप देख भी सकते हैं, अभी तक हम देख रहे थे 2015 के, अब 2016 के चल रहे हैं। अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया। चार ऑप्शन है, बताना है आपको, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। बात करते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म जो ग्रंथ हैं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है वो आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 39, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन सा आग्नेय शैल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के जो दक्षिण पठार हैं वो अधिकांश आग्नेय शैलों से जो है वो बने होते हैं। 40 प्रश्न कह रहा है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, तो ये तो आप सभी जानते हैं क्या शामिल है, ताजमहल जो है इसमें शामिल है। 41 प्रश्न कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सक्री जो घाटी है उनको कहते हैं, विसर्प, हिमोड़, कार्च या भृगु, चार ऑप्शन में छाटना है आपको, इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका गार्ज जो है वो सही हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें गहरी और सकरी घाटी को गार्ज के नाम से जानते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है आपका कि पूर्णिमा से अमावस्या जो है उस तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, सबसे पहली जब पूछा हो घटता हुआ चांद तो आप क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष, यानी कि घटते चांद के पखवाड़े को पूर्णिमा से अमावस्या तक अगर बात की जाए तो कृष्ण पक्ष कहते हैं। पर यही अगर अपोजिट पूछ लिया जाए कि चंद्रमा बढ़ता है तब क्या कहा जाता है, तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो यहां पर आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी या सभी, इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो क्रोड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड के नाम से जानते हैं। 44 प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है, ये तो आप सभी जानते हैं, किसी का गलत नहीं होगा, बिल्कुल 21% आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि यही 21% आपको कहीं कहीं 20.95% भी लिखा देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज है, कितना है, 78.09, कहीं कहीं 78% डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ऑर्गन आपका तीसरे नंबर पे आता है, और कितनी होती है परसेंटेज इसकी, तो 0.93% ऑर्गन जो गैस है उसकी परसेंटेज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य आपको पता होना चाहिए, CO2, तो आप कहेंगे 0.03% जो है वो होती है। इतने परसेंट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो आएगा वो यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, 8, 10, 12, 15, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका 12 सही हो जाएगा। तो पर प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि संविधान का जब निर्माण हुआ था, या दूसरे तरीके से क्या पूछा जाएगा, मूल संविधान के संबंध में। वैसे आंसर तो यहां पर भी गलत दिया है, मैं यहां पर आंसर देखूं तो सा वाला दे रखा है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो मूल संविधान ही तो पूछा गया है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, तो 12 थोड़ो नहीं है, 12 तो वर्तमान में है आपकी, मूल संविधान में तो आपकी 8 अनुसूची थी, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। यहां पर आंसर गलत दिया है, हमारे मूल संविधान में अगर बात करें अनुच्छेदों की संख्या की, तो आपके 395 अनुच्छेद थे,
22 भागों में विभाजित था और 8 जो है वो आपकी अनुसूचियां थी जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो अब यहाँ पर तो मूल संविधान पूछा गया, तो ऑप्शन तो आप 8 ही को टिक करेंगे। अगर यही पूछा गया होता वर्तमान समय में, तब आप कहते कि आपकी 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं, भाग आपके लगभग 25 हैं और जो अनुच्छेद है उनकी संख्या 417 अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलती है। तो मेन फोकस आपका प्रश्न में अनुसूचियों पर है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां, पहले 8 थी, तो यहाँ पर आप 8 लगाएंगे क्योंकि मूल वर्ड जुड़ा हुआ है, मूल संविधान में पूछा गया। मूल संविधान का ही मतलब है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब को लेकर पूछा जा रहा है। तो बहुत ध्यान से आंसर इसके देखिएगा, आंसर गलत बहुत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न 46 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 47 प्रश्न कह रहा है अजंता में गुफाओं की संख्या जो है वो है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको 42, 20, 25 या 30 में से कौन सा सही होगा। तो आपके वर्तमान के आधार पर देखा जाता है तो 29 गुफाएं देखने को मिलती हैं और इसके आधार पर आप 30 को टिक जो है वो करेंगे। इन 29 गुफाओं में भी वर्तमान में देखें तो ऐसा बताया जाता है केवल 6 जो है आपकी शेष जो है वो बची हैं, बाकी मुद्दा हमारा वो नहीं है। मेन पॉइंट आपका क्या है कि गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आप 30 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न चल रहे हैं वो 2016 जो है उसके द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न जो है वो चल रहे हैं। अगला वाला 48 वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। तो चलिए लास्ट में पूछते हैं, 50 प्रश्न हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 49 प्रश्न कह रहा है कि किस सम्राट जो है उसके शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया। चार ऑप्शन है यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कुमारगुप्त बिल्कुल सही होगा, पर अगर प्रश्न यही दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि हूणों पर या हूणों जो हैं उनको किससे पराजित होना पड़ा था, तो स्कंदगुप्त नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है पर ऑप्शन में वहां पर स्कंदगुप्त दे दिया जाता है। तो स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, जो भी आपको जिस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिले आंसर अपना टिक कर लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। लास्ट प्रश्न 50 है, सबसे पहले भारत कौन आया, ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगस्थनीज। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो बिल्कुल आपका मेगस्थनीज जो है वो सही हो जाएगा। मेगस्थनीज की अगर बात करें तो ये यूनान का एक राजदूत था, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनान का राजदूत था जो कि जो चंद्रगुप्त था उसके दरबार में आया था, और जो यूनानी सामंत था जिसका नाम था सेल्युकस निकेटर, नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो सेल्युकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त हैं उसके बीच संधि हुई थी, तो उसी संधि में से ही उसी के तहत ही मेगस्थनीज जो है वो आया था। तो सबसे पहले भारत ऑप्शन में से आपका मेगस्थनीज जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि बिंदुसार जो है उसकी मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। तो ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आंसर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसी के चार ऑप्शन है, आ तक्षशिला, बा उज्जैन, सा सौराष्ट्र और द तौसाली। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है वो सही बताते हैं। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है, बाकी बचे जो 50 प्रश्न है वो इसी के हम सेकंड पार्ट में जो है वो देख लेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, छोटे में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।